दोस्तों भारत का सबसे प्रतिष्ठित नौकरी में से एक है आईएएस ऑफिसर। बहुत लोगों का अंदर बहुत सपने रहती है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि आईएएस ऑफिसर का सिर्फ सैलरी ही अच्छी नहीं होती, उनके साथ साथ फ्री में मकान दिया जाती है, ड्यूटी के लिए लग्जरी कार दिया जाती है और फैमिली सिक्योरिटी और उनकी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड, फ्री में मोबाइल कॉल और अन्य कई प्रकार का सुविधा दिया जाती है। लेकिन आप लोगों का अंदर बहुत कम लोगों को पता होंगे कि आईएएस ऑफिसर का रैंक और सैलरी के बारे में बहुत कम लोगों के अंदर पता होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर का रैंक और सैलरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस ऑफिसर का जो रैंक है वो 8 हिस्सों में बांटे जा सकते। पहले नंबर पर आती है जूनियर स्केल, जिसका बेसिक सैलरी होती है 50,000 से लेकर 1,50,000 रुपया तक, और उनका जो ग्रेड पे मिलती है वो 16,500 रुपये तक ग्रेड पे मिलती है। और इधर पर जिस पोस्ट पर आपको काम मिलती है वो एसडीएम, एसडीओ या फिर सब कलेक्टर, इस तरह का पोस्ट उनको मिलती है। उसके बाद आती है सीनियर टाइम स्केल, इनका जो बेसिक सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर 1,50,000 एक रुपये तक होती है, और उनका जो ग्रेड पे होती है वो 20,000 रुपया होती है। उनका जो सेवाकाल होती है वो 5 ईयर्स तक होती है। यहाँ पर जिस जिस पोस्ट पर आपको काम मिलती है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर का पद इधर पर मिलती है। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसका बेसिक सैलरी होती है 50,000 से लेकर 1,50,002 रुपये तक होती है, और उनका जो ग्रेड पे होती है 23,000 रुपीज़ तक होती है, और उनका सेवाकाल 9 ईयर्स यानी कि 9 साल तक उनका सेवाकाल होती है। यहाँ पर आपको जो जो पद मिलती है वो है स्पेशल सिक्योरिटी विभाग और सरकारी विभाग प्रमुख पद इधर पर मिलते। उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड, यहाँ पर आपको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो 1,00,000 से 2,00,000 रुपया तक होती है, और इधर पर जो आपका ग्रेड पे मिलती है 26,000 रुपीज तक इधर पर आपको ग्रेड पे मिलती है, और इधर पर जो सेवा काल मिलती है वो 12 से 15 वर्ष तक आपको सेवा काल मिलती है। और इधर पर जिस जिस पद पे आपको पोस्ट होती है वो है मंत्रालय का सचिव, इस तरफ का पोस्ट रहती है। उसके बाद आती है सुपर टाइम स्केल, इधर पर जो आपको बेसिक सैलरी या फिर बेसिक पे मिलती है वो है 1,00,000 से 2,00,000, और इधर पर ग्रेड पे मिलती है 30,000 रुपया, और इधर पर सेवा काल जो मिलती है वो 17 से 20 वर्ष तक होती है। और इधर पर जो जो पद मिलती है वो किसी प्रमुख सरकारी विभाग और प्रमुख मुख्य सचिव का पद इधर पर मिलती है। उसके बाद आती है अबव सुपर टाइम स्केल, जहाँ पर आपको बेसिक सैलरी मिलती है वो है 1,00,000 से 2,00,000 रुपया तक बेसिक सैलरी आपको मिलती है, और आपका जो ग्रेड पे होती है ये 30,000 रुपया तक ग्रेड पे होती है। और इधर पर जो सेवा काल होती है वो विभिन्न प्रकार सेवा काल होती है, और आपको जो जिस पद पर आप काम करते हो वो भी विभिन्न प्रकार पद होती है। उसके बाद आती है एपेक्स स्केल, जिसका बेसिक सैलरी रहती है 2,25,000 रुपया, इधर पर सेवा काल जो है वो भी विभिन्न प्रकार सेवा काल होती है, और इधर पर जो पद पर आप काम करते हो वो है राज्य के प्रमुख सचिव, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के केंद्रीय सचिव। उसके बाद आती है कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड, जो पद सबसे ऊंचा पद होती है आईएएस ऑफिसर के लिए, सबसे ऊंचा पद होती है। इनका जो बेसिक सैलरी रहती है वो 2,50,000 तक होती है, इधर पर ग्रेड पे नहीं मिलती, और इधर पर आपको जो सेवा काल है सेवा काल विभिन्न प्रकार होती है। इधर पर जो आपको पद मिलती है वो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिलती है। दोस्तों इन 8 तरह का पद में इस तरफ का सैलरी आपको मिलती है। शायद बहुत लोग आपके अंदर होंगे जो आईएएस ऑफिसर का जो सैलरी वो बहुत कम है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ती कमती रहती है, इसीलिए आईएएस ऑफिसर को बहुत सारी सुविधाएं फ्री में प्रदान किया जाती है। इस वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट पर जरूर लिखना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू।